हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ मैथ सब्जेक्ट क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 6. इन दिस क्वेश्चन द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड. फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड. यहाँ पर हमें क्या करना है, साइड्स पता करनी है रेक्टेंगुलर की. यह डायगोनल दे रखा है 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, और जो लॉन्गर साइड दे रखी है वो 30 मीटर मोर दे रखी है किससे, शॉर्टर साइड से. कैसे करते हैं इसको सॉल्व, यहाँ लेट कर देंगे, लेट द शॉर्टर साइड, ये शॉर्टर साइड हो जाएगा हमारा. जो शॉर्टर साइड हो जाएगा हमारा वो हमने मान ली क्या, एक्स मान लिया, एक्स मीटर. ओके, देन द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, जो डायगोनल हो जाएगा 60 प्लस एक्स हो जाएगा हमारा, क्योंकि 60 मीटर मोर देन दे रखा है. एंड द लॉन्गर साइड, जो लॉन्गर साइड दे रखी है वो 30 मीटर मोर दे रखी है शॉर्टर साइड से. सो 30 प्लस एक्स हो जाएगा. इन ट्रायंगल एबीसी, जो हमने रेक्टेंगुलर था एबीसीडी नेम दे दिया, एबीसी में हम बात करते हैं जो एंगल बी होगा वो 90 होगा. 90 क्यों होगा, क्योंकि ऑल एंगल्स क्या होते हैं रेक्टेंगल के, इक्वल होते हैं 90 के होते हैं. तो बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम का यूटिलाइज करेंगे. पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस एंड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर. सो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. नाउ ए सी स्क्वायर इज गिविन 60 प्लस एक्स डायगोनल एंड लॉन्गर साइड, ए बी इज गिविन 30 प्लस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर. ओपन विद द हेल्प ऑफ होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी. सो 60 स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू इंटू 60 इंटू एक्स प्लस 30 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू इंटू 30 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, स्क्वायर ऑफ 60 इज 36, स्क्वायर ऑफ 60 इज 3600, एक्स स्क्वायर 2612, 120 एक्स, 30 स्क्वायर ऑफ 30 इज 900, एक्स स्क्वायर 2360 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर वेरिएबल आर सेम, पावर आर सेम, सो एंड सो विल बी एडेड, एक्स एक्स इज 2x. टेक ऑल थ्री स्टेप टू अपोजिट, वी चेंज द सिग्नल पॉजिटिव टू नेगेटिव, माइनस 900 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 60x. ऑन ईयर 3600 प्लस 900 इज माइनस, सो बी डिफरेंस ईयर 36 माइनस 900 2700, वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस डिफरेंस माइनस एक्स स्क्वायर. बिकॉज द सिंबल ऑफ लार्जर सिंबल इज नेगेटिव, दैट्स वाई द सिंबल राइट विद एक्स विद नेगेटिव. एंड 120x माइनस 60x, वी गेट 60x. नाउ वी राइट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 2700. ऑन हियर वी मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव सिग्न टू होल इक्वेशन, वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू जीरो. नाउ फैक्टराइज, हाउ कैन फैक्टराइज 2700, वी फैक्टराइज द 2700, वी गेट 27 इंटू 100, वी गेट 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5. सो नाउ वी कैन राइट 60 इक्वल टू 90 माइनस एंड द प्रोडक्ट ऑफ 90 एंड 30, 9 3 27, 2700. दैट्स वाई वी कैन राइट ऑन द प्लेस ऑफ 60 इज 90 माइनस एक्स, 90 माइनस 30 इंटू एक्स 2700 इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस 90x माइनस माइनस प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू जीरो. टेक द कॉमन एक्स, वी गेट एक्स माइनस 90, टेक द कॉमन 30 पॉजिटिव पॉजिटिव 30, वी गेट एक्स माइनस 90 इक्वल टू जीरो. द ब्रैकेट ऑफ एक्स माइनस 90 इज कॉमन, वी लेफ्ट एक्स प्लस 30 इक्वल टू जीरो. नाउ टेक एक्स माइनस 90 इक्वल टू जीरो, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 90, एक्स प्लस टेक द ब्रैकेट एक्स प्लस 30 इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस 30. जो साइड्स होती हैं उसकी वैल्यू कभी भी हमारी माइनस में नहीं आती है, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी. सो शॉर्टर साइड हो जाएगी, शॉर्टर साइड मतलब एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 90 मीटर. दिस इज द शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल. लॉन्गर साइड क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 30 दे रखा था, 90 प्लस 30 हो जाएगा, 90 30 कितना हो जाएगा, 120. दिस इज द लॉन्गर साइड. एंड डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 60 प्लस एक्स, 60 प्लस एक्स इज 60 प्लस एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स इज वी गेट 90, सो 90 प्लस 60 इज 9650, यानी 150 100 150 मीटर.
This is the diagonal. I hope you understood well. Next question we explain in next video lecture. Thank you and have a nice day to all.